तो दोस्तों हो गए हैं तैयार जाने के लिए, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और मुझे ये चीज याद आया तो मैंने सोचा कि आपसे जरूर शेयर करूं। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हमारे कैरियर में काफी काम आती है, उसमें से ये है कि कभी भी आप डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की मत सोचना। बहुत लॉन्ग टर्म यानी कि उसका पारिवारिक रिलेशनशिप बनाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना और मत बनाना। मेरी बात अगर ये मानोगे तो आपको जो सैलरी है उसमें भी इंक्रीमेंट मिलेगा और आपकी तरक्की भी ज्यादा होगी। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो अब मैं आपको ये सीक्रेट बताता हूं। जब भी जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में आए, मैक्सिमम क्या होता है कि हम जब स्टार्टिंग में आते हैं तो हमारे पास टारगेट इतना होता है, कंपनी का प्रेशर इतना होता है कि हमें, और मार्केट की नॉलेज हमें होती नहीं है उतना ज्यादा, हमारा स्ट्रांग रिलेशनशिप बना नहीं होता होलसेलर से, रिटेलर से, की अकाउंट से, और बहुत सारी स्ट्रेटेजी हमें नहीं आती। तो हम क्या होता है सोचते हैं कि यार डिस्ट्रीब्यूटर दो चार ऐसे होते जो कि मेरे को बहुत चाहते और एक तरह से मैं उनसे बहुत रिलेशनशिप रखूंगा ताकि वो मेरा जो टारगेट है वो पूरा करवा देंगे। जो लोग इस तरफ ध्यान दे देते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर पटाने में लग जाते हैं और उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने के चक्कर में वो एरिया नहीं छोड़ते तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो उन्हें नहीं मिलती। साथ ही उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है और उसी कंपनी में उनका प्रमोशन होता है। तो बहुत सारे लोग, मेरे सामने की बात है, बहुत सारे लोग वो एक्सेप्ट नहीं करते चैलेंज, और जो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है उसकी कुछ दिन बाद नौकरी चली जाती है। ठीक है, आपको भी पता होगा, आपने अपने अगल बगल ऐसी चीज देखी होंगी। तो यहां क्या होता है कि सबसे मैं यही कहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर से उतना रिलेशनशिप रखो जितना बिजनेस रिलेशनशिप है, और ऐसा भी उससे झूठ भी मत बोलो, उसको धोखा भी मत दो, सारी चीजें करो लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में ना रहो। ठीक है, रिलेशनशिप जिससे लॉन्ग टर्म बनना होगा ना, उससे आप बनाओगे तो नहीं बनेगा, अपने आप ही डेवलप हो जाता है। जब उसका आप फायदा कराओगे, उसको अच्छी कंपनी दोगे, उसकी सेल कराओगे और डेली उसको मार्केट से ऑर्डर दोगे, उसका बिजनेस बढ़ाओगे, तो अपने आप रिलेशन डेवलप हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं लेकिन जैसी कंपनी छोड़ देते हैं या एरिया चेंज कर देते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर उनको भूल जाता है और पीछे से गाली देता है। तो कभी भी जो ऐसे लोग होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर से बनाने के चक्कर में, अब मान लो एक एरिया में वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है या सेल्स ऑफिसर है या एरिया सेल्स मैनेजर है, वहां पर वो 10 लोग उन्होंने बहुत आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है आपका। जब भी टारगेट पूरा होना होता है वो आपके कहने से पैसे लगा देता है और माल खरीद लेता है, आपकी नौकरी को बचा लेता है, कहने का मतलब ये है। तो उस चक्कर में हम उस एरिया को नहीं छोड़ते या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है उसको नहीं पकड़ते, अपनी कंपनी हो चाहे दूसरी कंपनी हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, कंपनी एरिया मैनेजर उनको बहुत सालों से बना रही है और बहुत पहले वो कई कंपनी में बन जाते लेकिन उनका काम आसान है सेल्स ऑफिसर में, क्योंकि उतने सारे जो लोग हैं वो उनका टारगेट कहने से ही पूरा करा देते हैं, मार्केट करनी नहीं पड़ती और इस तरह से काम चलता रहता है। तो भाई तरक्की भी तो नहीं हुई, सेल्स ऑफिसर पे आपको सैलरी मिल रही है 30,000 रुपए, मान लो मैक्सिमम 30,000 रुपए मिलेगी, और एरिया सेल्स मैनेजर पे आपको 50-60,000 रुपए मिलेगी, तो आपका ही नुकसान हो रहा है। तो यहां पर ये चीज नहीं करनी चाहिए, यहां पर स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए, अगर आपको लॉन्ग कम समय में अच्छी पोजिशन पानी है और कम समय में अच्छी सैलरी ग्रोथ करनी है और सीखना है, तो यहां पर स्ट्रेटेजी ये होती है कि हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को धोखा नहीं देना है, उससे बिजनेस रिलेशनशिप बनाना है और बिजनेस में जो एथिक्स चलते हैं, रूल्स चलते हैं, उसको फॉलो करना है ताकि वो भी याद करें कि हाँ आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हो, कितने डेडिकेटेड हो और कितने अग्रेसिव हो। अग्रेसिव होना भी बहुत अच्छा होता है कभी कभी। तो आप अगर उनसे इस तरह का रिलेशनशिप बनाएंगे ना, तो फिर आपको एरिया चेंज करने में, एरिया छोड़ने में, जॉब लोकेशन छोड़ने में, कोई भी एरिया मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आप वहां पर करके रख दोगे, यानी फाड़ के रख दोगे। ठीक है, तो आपको ऐसी चीज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेशनशिप बहुत ज्यादा नहीं बनानी चाहिए। इससे क्या होती है दिक्कत ये होती है कि भाई उसी एरिया के आप बादशाह हो लेकिन उस एरिया से जैसे ही अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में जाते हो या लोकेशन चेंज होती है तो आप बिल्कुल फेल हो जाते हो, फेल। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, आपको क्या करना है,
उस एरिया को बनाना है, ना कि उस एरिया के लोगों से बनाना है, उस एरिया को डेवलप करना है, ना कि उस एरिया के कुछ लोगों से अपने रिलेशनशिप डेवलप करना है। जब ये आदत पड़ जाएगी ना फ्री की, टारगेट पूरा होने की, आपके कहने से फोन से काम नहीं करना पड़ता, फोन से ऑर्डर हो जाता है, तो ऐसे कितने लोग होंगे? 2-4 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उनको फायदा हो रहा है तो लगा रहे हैं। किसी दिन किसी दूसरी कंपनी में जाओगे तो वो नहीं माल उसका बिकेगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, वो भी नहीं लगाएंगे। इसलिए एरिया डेवलप करोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, और अगर आपका कोई हेल्प कर रहा है इस मार्केट में तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है आगे आने वाले दिनों में, चाहे वो टारगेट पूरा करवाने में आपको हेल्प कर रहा है, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में हेल्प कर रहा है, किसी भी तरह की अगर आप हेल्प ले रहे हो अपने शुरुआती दिनों में, मतलब मैं शुरुआती ये मानता हूं कि जब से आपने ज्वाइन करा है और 5 साल अगर आपने किसी की हेल्प ली है, तो आपको दिक्कत आगे आने वाले दिनों में झेलनी पड़ती है, चाहे सैलरी के रूप में हो, चाहे आपकी पोजीशन के रूप में हो, चाहे न्यू एरिया मिल जाए तो फट के हाथ में आ जाती है वो वाली पोजीशन हो। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सही। आज की डेट में जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो अपने जिले से बाहर भी नहीं जा सकते। अगर उन्हें कह दिया जाए कि अपने जिले से इन इन 10 डिस्ट्रीब्यूटर से काम नहीं करना, इसके अलावा बना के दिखाओ, इसके अलावा काम करके दिखाओ, तो उसी लोकेशन पे इतनी दिक्कतें आती हैं उनको, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वही डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, बार बार वही रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। नए एरिए में वो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए क्या होता है, अपॉर्चुनिटी तो भाई इतना कॉम्पिटिशन है, ऐसा तो है नहीं कि आपको उसी जगह पे उसी लोकेशन पे बार बार अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, अच्छी सैलरी ग्रोथ होगी, नहीं होता ना। और फिर आप बाहर निकल भी नहीं पाओगे, वहां से बिल्कुल निकल नहीं सकते। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर से बिजनेस रिलेशनशिप बनाओ, और उससे बहुत ज्यादा इंटरनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर मेरी ये बात मानोगे तो बहुत जल्दी ग्रोथ करोगे और बहुत आगे जाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बनाते, इसको तो कोई पहचानता नहीं है। जीएम आ जाए ना किसी कंपनी का, जीएम हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, ठीक है, और नेशनल हेड हो, डिस्ट्रीब्यूटर उनको बहुत कम जानते हैं। जितने वो डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल करते हैं ना, और जितने अपने कैरियर में हैंडल करे हैं, उनके कहने से कोई ऑर्डर नहीं लगाता। लेकिन सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ऑफ रोल, ऑन रोल, छोटे एम्प्लॉई, सेल्स ऑफिसर के कहने से ऑर्डर लग जाता है, कहने से। लेकिन आप ये देख के चलो ना कि वो जीएम बना हुआ है और आप सेल्स ऑफिसर हो, आप बन पाओगे जीएम अपने कैरियर में? नहीं। तो वो भी इस चक्कर में रहता ना कि इस एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर से मुझे दोस्ती करनी है ताकि मेरा पूरा होता रहे, तो फिर वो इंडिया हेड नहीं कर रहा होता, वो नॉर्थ इंडिया हेड नहीं कर रहा होता, वो पूरा एक स्टेट हेड नहीं कर रहा होता। तो इस चीज से बाहर निकलो, क्योंकि एक जॉब मिली है, ज्यादा ज्यादा 1.5 साल 2 साल उस जॉब उस पोजिशन पे रहोगे आप, उसके बाद तो आपको पोजिशन बढ़ानी है ना। तो पोजिशन बढ़ाने के लिए उस 10 डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी जान पहचान किसी काम नहीं आएगी, किसी काम नहीं आएगी। जब आपको एक स्टेट मिलेगा, जब आपको 6 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, 10 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, तो फिर वो 10 डिस्ट्रीब्यूटर जिनसे घरेलू रिलेशनशिप बना रखे हैं वो क्या कर लेंगे? फिर तो आपको काम ही करना पड़ेगा। तो यही यहाँ का मतलब मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। और मुझे भी लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ।